करंट वेलकम अगेन। आज हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है क्वाड एंड ऑकस्पेक्ट। क्वाड एंड ऑकस्पेक्ट क्यों लाजमी है इतना? अभी रिसेंटली इनमें क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वाड एंड ऑकस्पेक्ट है, ये एक बेस है जो जितने भी फर्दर इश्यूज अभी चल रहे हैं, आपका साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक टसल हो, या ताइवान इश्यू हो, या हमने रिसेंटली सुना था कि वर्ल्ड इज टिल्टिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर थ्री, उसके लिए ये जो ब्लॉक बन रहे हैं, कंट्रीज आपस में जो मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको समझने के लिए हमें क्वाड एंड ऑकस्पेक्ट को पढ़ना लाजमी। अब क्वाड क्या है? बेसिकली जब क्वाड फेल हो जाता है, उसके बाद आपका ऑकस्पेक्ट आता है। तो हम तो पहले डिस्कस करेंगे क्वाड, उसके बाद हम आएंगे ऑकस्पेक्ट पे, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड है क्वाड का। बेसिकली जो क्वाड था, क्वाड लिटिल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान था जिसमें ये जितनी भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया, ये चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाह रहे थे। इंडो पैसिफिक ले लो या आप साउथ चाइना सी ले लो, क्योंकि आपको पता है यूएस एंड चाइना आर रिगार्डेड वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज। वो भी इसकी फर्दर डिटेल्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्वाड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 2007 to 2008 में हुई थी, और ये एंड हुआ था 2017 में। इसके मेंबर कंट्रीज थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। अब इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 2007 में एक ग्रुप को कॉल दी कि आ जाए, हम चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करते हैं। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट एज शी हैज ट्रेड रिलेशन विद चाइना, ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेड कोल फ्रॉम चाइना। उसके बाद ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया थी, जो कि एट सम एक्सटेंट एक जो है ना ग्रुप मेंबर थी क्वाड की, उन्होंने क्या अपेरेंटली नहीं थे, ये अपेरेंटली मेंबर नहीं था उसका। मीन के मेंबर इसलिए अपेरेंटली नहीं था कि एक ऑफिशियली उनको बोल रहे थे कि ठीक है, शी इज मेंबर ऑफ दिस क्वाड, एंड दूसरी तरफ जो इनकी आपके स्टेट एजेंसीज हैं वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहे थे कि नहीं, हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ब्लॉक का पार्ट नहीं है, बल्कि उनकी जितनी मीटिंग्स होती थी वहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया जाता था। और ये क्यों नहीं होना चाह रहा था इसका ऑफिशियली पार्ट? क्योंकि इसके ट्रेड रिलेशन थे चाइना के साथ, वहां से ये कोल इम्पोर्ट करती थी। उसके बाद एक जो इसकी डेड होने का जो सबब बना, इसके खत्म होने का सबब बना, वो क्या था कि चाइना ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने एक अपने पांव पीछे कर लिए थे। ऑस्ट्रेलिया अश्योर चाइना दैट शी इज नॉट ज्वाइनिंग एनी ग्रुप, अनऑफिशियली शी वाज द मेंबर ऑफ क्वाड लिटिल सिक्योरिटी डायलॉग्स। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे क्वाड के, इकोनॉमिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। जितने भी इनके ये चार मेंबर कंट्रीज थी, उनमें ये आपस में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, इनमें एक डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज बाय शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। जो आपके मिलिट्री जो ड्रिल्स होती हैं वो भी इनका पार्ट होता था, शेयरिंग इंटेलिजेंस, जितनी भी इंटेलिजेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन होती थी किसी भी राइवल कंट्रीज में, उसको एक्सचेंज करना, एक दूसरे की हेल्प करना। और चाइना की जितनी भी एग्रेसिव पॉलिसीज थी इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करना। इसके बाद क्या हुआ था, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं विच शी फेल्ड टू अचीव। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ने ये ऑब्जेक्टिव ऑफिशियली कोई अचीवमेंट नहीं दी इसकी। चाइना क्या क्या रिस्पॉन्स था? चाइना ने सेपरेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया से, उसके साथ जितने भी आपके ट्रेड रिलेशंस थे वो कट ऑफ कर दिए। मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया जो था उस टाइम, वो एक ऑफिशियली अलग हो गया था चाइना से। तो चाइना के पास अभी किसी का प्रेशर नहीं है, कोई इसको परवाह नहीं, अब वो चाहे तो कोई भी पैक्ट या कोई भी ट्रीटी साइन या एडॉप्ट कर सकती है। तो इसी के चलते हुए उसी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को थोड़ा एनहेंस करके, फर्दर एलिमेंट्स ऐड करके इन्होंने ऑकस पैक्ट दिया। ऑकस पैक्ट के मेंबर्स थे ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। ये एस्टेब्लिश हुई थी 15 सितंबर 2021 बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन आइडिया। इसका जो आइडिया था वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, क्योंकि पिछले जो था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें जो आपका ऑस्ट्रेलिया था उसने पुल ऑफ किया था खुद को। अब यहाँ पे इन्होंने ही आइडिया दिया कि हमें ये चीज करनी है और हमें अपना
इन्फ्लुएंस मेंटेन करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? यूएसए टू प्रोवाइड न्यूक्लियर सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया व्हिच प्लेज वाइटल रोल इन द रीजन। अब देखें, जब ऑस्ट्रेलिया चाइना के आमने सामने हुए तो एक जो आपका ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने यूएस के साथ फुल फ्लेज एक लीडरशिप में हाथ बढ़ा लिया ताकि उनकी हर एक एक्टिविटी में वो मिलके काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया चाइना का दुश्मन है, यूएस चाइना का दुश्मन है, तो क्या होगा, यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट था? यूएस का पार्ट था। एज अ फ्रेंडली उनके रिलेशन स्टार्ट हुए थे। दूसरे, मेंबर कंट्रीज टू बिल्ड न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स। न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स ऑलमोस्ट 5 से 6 कंट्रीज हैं उनके पास, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फर्दर इसको हम एडिशन फर्दर डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल्स को। दे ज्वाइंटली वर्क इन इंडो पैसिफिक। देखें, इंडो पैसिफिक एक अलग सा टॉपिक है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओशनिक टसल में, इंडो पैसिफिक में अभी जो ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस है वहां पे साउथ चाइना सी की तरफ से आपका चाइना का इन्फ्लुएंस है। चाइना सीपेक के जरिए ऑलमोस्ट काफी सारी चीजों को वो गेन कर रही है, ठीक हो गया। तो इसके लिए उसका ये, अगर मेंबर कंट्रीज जो चाइना की राइवलरीज है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस ऑफिशियली कम होता जाएगा। इट विल कवर डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। ऑब्वियसली जो मैंने अभी बात की सेम थी, ये इंडो पैसिफिक में अपने सिक्योरिटी, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक टाइज को एंजॉय करेंगे। ज्वाइंटली वर्क ऑन साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज एंड डेवलप करेंगे। टू काउंटर चाइनास एग्रेसिव पॉलिसी, ऑलमोस्ट सारी चीजों का जितना भी आप क्रक्स निकालेंगे तो उसका यही बनता है, टू काउंटर चाइनास एग्रेसिव पॉलिसीज। फिर आता है टू मेक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जैसे आप चाइनीज वहां पे अपना क्लेम करते हैं ना इंडो पैसिफिक में, अब उसको ये चीजों को काउंटर करके अपना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के रूल्स के तहत। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंडो पैसिफिक का जो टॉपिक है, ये एक अलग से डिबेट है, जो कि ये हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एडिशनली जो ये अलग अलग से टॉपिक है ना, इन पे हम हमारा डिटेल्ड लेक्चर होगा। उसके बाद आते हैं कंट्रीज टू हैव न्यूक्लियर सबमरीन्स। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, कौन से? यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, इंडिया एंड रशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज हैं। तो ये था, ठीक है। उसके बाद जब ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कैंसिल हो गया, ऑकस पैक्ट आ गया, सारी राइवलरीज कंट्री ने ब्लॉक बना लिया, अलग से हो गई, उन्होंने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी एक दूसरे के साथ, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन चेंज करी, तो इस ओवरऑल डिबेट का जो था, चाइना का क्या रेस्पॉन्स आता है, चाइना इसके बारे में क्या बोलता है? चाइना बोलता है 3 कंट्रीज वर इन द ग्रिप ऑफ एब्सोल्यूट कोल्ड वॉर विद जीरो सम मेंटेलिटी एंड नैरो माइंडेड जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। दे शुड रिस्पेक्ट रीजनल पीपल्स एस्पायरेशन, अदरवाइज दे विल एंड अप हर्टिंग देयर ओन सेल्फ। अब यहाँ पे जो आपका चाइना है, चाइना बोलता है कि ये जितनी भी 3 से 4 कंट्रीज है ना, उनकी वो एक एब्सोल्यूट, एक कंप्लीट कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं विद जीरो सम मेंटेलिटी एंड नैरो माइंडेड, और उनको उनकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल कम है, वो चीजों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम से नहीं देखते हैं। उनका जो भी माइंड नैरो माइंड है ना, वो एक ब्रॉड पिक्चर जो होती है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको नहीं देख पा रहे कि इसके पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, ये सारी चीजें नहीं दे रहा। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनको रीजनल पीपल्स एस्पायरेशन, जितने भी रीजन इसमें इन्फ्लुएंस्ड हैं उनकी एस्पायरेशन को भी देखना चाहिए इसका। अगर ऐसा नहीं होगा तो एट द एंड क्या होगा, वो अपने आप को ही हर्ट करेंगे। ये एक धमकी थी एट सम एक्सटेंड, एंड अनऑफिशियली एक धमकी थी कि भाई अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा करेंगे या मेरा इन्फ्लुएंस में आएंगे या मेरी टेरिटरी में आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप लोग उस चीज में पछताएंगे। तो ओवरऑल ये था एक बेसिक एंड फंडामेंटल चीजें थी जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए समझना काफी लाजमी है, और करंट अफेयर्स, ये हमारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के लिए। अगर ये सारे ही टॉपिक जो हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ेंगे तो डिटेल्ड एंड काफी बड़े हो जाएंगे।
हम इसको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं, और ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की थी इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आगे चलकर जो हमारे करंट अफेयर्स आएंगे ना, ओशनिक टसल आ गया, ताइवान डिलेमा आ गया, एंड द वर्ल्ड इज टिल्टिंग टुवर्ड वर्ल्ड वॉर 3, ये जितनी भी चीजें हैं ना ये आपको आसान लगेंगी अब। तो इसके बाद जो हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में आएगा वो आएगा ओशनिक टसल्स, साउथ चाइना सी हो गया आपका, है इंडियन इंडो पैसिफिक आ गया, उसमें इन्फ्लुएंस क्या है, कौन कौन से आइलैंड है, किस पे किसका है, कौन से नॉटिकल माइल्स किसकी तरफ आते हैं, उसका जो है ना वर्ल्ड के पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक पे क्या इम्पेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा ताइवान, सॉरी ओशनिक टसल। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।